गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड कप के सनसनी खेज फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली मर्तबा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है, जिस पर बरतानिया में भरपूर जश्न मनाया गया। ताहम इंग्लिश कप्तान जब खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो एक सहाफ़ी के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के भी दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए एन मॉर्गन ने कहा कि मैच के दौरान लेग स्पिनर आदिल रशीद ने मुझे कहा कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है। उनका कहना था कि हमारी टीम में हर नस्ल और अकीदे के लोग हैं जिन्होंने अपने अकायद के मुताबिक मुझे ये बात कही। इंग्लिश कप्तान का कहना था कि सुपर ओवर के दौरान मैंने टीम की हौसला अफजाई की और इन्हें इस मुश्किल घड़ी से लुत्फानंदोज़ होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सुपर ओवर के दौरान मेरी कोशिश थी कि खिलाड़ियों को असाबी तनाव से निकाल कर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाऊं, जिस पर तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा रद्द अमल दिया और हम ये टाइटल जीतने में कामयाब हो गए।